चलो टू देखते हैं जल्दी से, जल्दी से बुक लाओ, फास्ट फास्ट फास्ट। फोर्टिका टू, टू कह रहा था सम ऑफ नेचुरल नंबर एंड इट्स पॉजिटिव स्क्वायर्स स्क्वायर रूट्स इज 132। सम ऑफ नेचुरल नंबर मतलब एक को एक्स मान लेंगे, लेट द फर्स्ट नेचुरल नंबर भी, लेट फर्स्ट नेचुरल नंबर भी हम लोग एक्स मान लिए, लेट द सेकंड नेचुरल नंबर भी क्या मान लिए, सम ऑफ नेचुरल नंबर एंड इट्स स्क्वायर, अच्छा एंड इट्स स्क्वायर रूट बोला है। सेकंड नेचुरल नंबर फिर क्या हो जाएगा, अच्छा कुछ नहीं, लेट द नेचुरल नंबर भी एक्स करते हैं, फर्स्ट नहीं लिखते हैं, ठीक है, ये समझ में आ गया। तो अभी क्या बोला, सम ऑफ नेचुरल नंबर, कोई भी एक नेचुरल नंबर है जो कि एक्स है उसका सम करना है, किसके साथ, उसी के स्क्वायर रूट के साथ बोला है, क्या पॉजिटिव स्क्वायर रूट के साथ मतलब रूट एक्स के साथ, तो कितना आएगा बोल रहा है, 132 आएगा। तो फाइंड द नेचुरल नंबर ही शायद कह रहा होगा, फाइंड द नंबर मतलब एक्स निकालना है, क्वेश्चन समझ में आ गया। अब क्या करेंगे बताओ, इसके बाद, इसके बाद क्या, नेक्स्ट वर्ड क्या करें, हाँ बहुत बढ़िया, रूट एक्स को ही कुछ मान लो, लेट रूट एक्स को हम लोग मान लिए वाई, अगर रूट एक्स वाई हो गया तो स्क्वायरिंग करो बोथ साइड, इधर स्क्वायरिंग करोगे तो रूट एक्स का स्क्वायर करा हो जाएगा, इधर भी वाई स्क्वायर हो जाएगा, रूट एक्स का स्क्वायर क्या होता है सिर्फ एक्स, और ये हो जाएगा वाई स्क्वायर, तो एक्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर ना, एक्स की जगह में एक्स किसके बराबर है, एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर है, और प्लस रूट एक्स की जगह में क्या लिख सकते हैं वाई, और 132 इधर लेके आते हैं तो -132, ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इससे हम लोग वाई का वैल्यू जैसे ही निकल जाएगा, उस वाई का वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे, उसका स्क्वायर जैसे ही करेंगे तो क्या निकल जाएगा, मतलब जो भी यहाँ से वाई निकलेगा उसका स्क्वायर कर देने पे एक्स निकल जाएगा, आंसर हो जाएगा, बन जाएगा। द डिफरेंस ऑफ टू नेचुरल नंबर्स इज 3, दो नेचुरल नंबर का डिफरेंस कितना है 3 है, एंड द डिफरेंस ऑफ द रेसिप्रोकल इज 3/28। तो निहायत ही, फर्स्ट नेचुरल नंबर को हम मान लिए क्या, सेकंड नेचुरल नंबर को मान लिए क्या वाई, अब किसी एक को बड़ा मानो, तुम एक्स को बड़ा मानो या वाई को बड़ा मानो, तो एक्स को बड़ा मान लेते हैं, लेट एक्स इज ग्रेटर देन, हाँ ये लिख लेना, अगर ज़्यादा दिक्कत हो लिख ही लेना उसको। अब बोला है द डिफरेंस बिटवीन टू नेचुरल नंबर इज व्हाट 3, तो बड़ा बड़ा माइनस छोटा करते हैं ना, डिफरेंस का मतलब क्या होता है, बड़ा पहले छोटा बाद में, क्या हो गया, तो डिफरेंस ऑफ टू नेचुरल नंबर, फोकस फोकस 14 नंबर में फोकस, फिर फोकस नहीं, तुम लोग बात कर रहे हो, मैंने क्या नहीं दिख रहा है, सिमरन का सर तो हम है, अच्छा अच्छा वो वाला सर, एक काम करो सिमरन, थोड़ा सा तुम इधर आ जाओ, थोड़ा सा बीच में, अभी तुम तुमको दिख रहा है, तुमको दिख रहा है, तुम आगे आ जाओ। हाँ तो दो नेचुरल नंबर है, एक एक्स है एक वाई है, दो नेचुरल नंबर में एक्स को हम लोग क्या मान लिए, बड़ा मान लिए, हाँ अपने मन से माने, ठीक है, तो अगर ये ग्रेटर है तो अगर डिफरेंस बोला है तो ग्रेटर माइनस माइनस करेंगे ना, तो डिफरेंस है कितना 3, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब जैसे ही इस लोग का रेसिप्रोकल करेंगे तो ये बन जाएगा 1/x, ये बन जाएगा 1/y, ये दोनों में से बड़ा कौन है तुमको पूछ रहे, हाँ 1/x की 1/y बड़ा कौन है, चलो एक एग्जांपल लेते हैं, एक्स एक्स का एक एक्स की जगह में कोई एक नंबर बोलो, 2 बोल दिया, वाई की जगह में एक नंबर बोलो, थोड़ा सम्मान कर लो इस सिंबल का, रेस्पेक्ट, एक्स ग्रेटर देन वाई है, ये 4 कर दे, एक्स को 4 बोल देते हैं और वाई को 2 बोल देते हैं, ठीक है, अब 1/x करते हैं, 1/x का मतलब क्या हो जाएगा, और 1/2 का मतलब 4, तो बड़ा है 2 से, सही बात है, बट 1/4 और 1/2 में बड़ा कौन है, ये है एक का दो हिस्सा किए, मतलब यहाँ पे एक का दो हिस्सा किए ये तुमको दिए, और यहाँ पे क्या इसका मतलब क्या है, एक का 4 हिस्सा किए वो तुमको दिए, तो ज़्यादा किस में मिलेगा, उसमें मिलेगा ना, इसीलिए हम लोग बोलते हैं जब रेसिप्रोकल करते हैं तो हाँ छोटा बड़ा हो जाता है, बड़ा छोटा हो जाता है, उल्टा बड़ा हो जाता है, वाह लग रहा है खाने का आइटम है, दही बड़ा सांभर बड़ा उल्टा बड़ा सब कोई हंसना बंद करता, तुम स्टार्ट करते हो बाद में समझ में आते हैं। तो जैसे ही रेसिप्रोकल किए तो उन लोगों का डिफरेंस में पहले किसको लिखेंगे, पहले डिफरेंस मतलब बड़ा माना छोटा होता है, तो ये पहला बड़ा है उल्टा बड़ा और ये दूसरा उल्टा बड़ा है, दोनों का डिफरेंस कितना है 3/28, इक्वेशन नंबर 2, समझ में आया इतना, इसको थोड़ा सहूलियत में कर लेते हैं, इसको इक्वेशन नहीं बनाते, हाँ इस दोनों में एलसीएम कितना आएगा, ऊपर एक्स और वाई का एलसीएम एक्स वाई आएगा ना, अच्छा वाई एक्स बोलिए, तो वाई एक्स सही बात है, तो वाई एक्स को डिवाइड करेंगे वाई से आएगा कितना एक्स, तो ऊपर एक्स इंटू 1 एक्स एक्स, हाँ इक्वल टू 3/28, ये समझ में आ गया ऊपर वाला, इसका वैल्यू हमको पता है कितना है 3, तो 3
बाई एक्स वाई को नहीं लिखते हैं, बाई एक्स वाई को उधर भेज देते हैं, और 28 को किधर भेज दिए, इधर। ये समझ में आया क्या? 3 3 कट जाएगा, तो एक्स वाई कितने के बराबर आ जाएगा, 28। यहाँ पे इसको इक्वेशन 2 बना के छोड़ देते हैं। अब ये जो पार्ट दिख रहा है ना 1, उसका स्क्वायरिंग कर सकते हैं बोथ साइड। कैसे? तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो उधर भी क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2xy इक्वल्स टू 9। ये समझ में आ रहा है? एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर रहने देते हैं, प्लस वाई स्क्वायर को वाई स्क्वायर रहने देते हैं, 2 into xy, तो xy कितने के बराबर, 28। 28 टू का कितना होता है, 56, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आ जाएगा 9 प्लस 56, 65 फाइव आज, सॉरी हमको लगा ही लगा, ठीक है 65। यहाँ तक समझ में आ गया? अभी किसी एक को हटाना है, वाई को या फिर एक्स को, एक्स को हटा दे, तो यहाँ से एक्स को हटाओ, एक्स इक्वल टू कितना होगा, 3 plus y, एक्स को यहाँ से हटा देंगे, 3 plus y का क्या कर देंगे, स्क्वायर, और प्लस हो जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू 65। समझ में आ गया? हमको नहीं आ रहा है, क्या हो गया, कहाँ पे, कहाँ से नहीं आ रहा, छोटा करें क्या इसको, छोटा भी कर सकते हैं, चलो हटो। अरे हम हर तरह का करना चाहते हैं बीच बीच में, तुम लोग एक ही जैसा करना चाहते हो ठीक है, उसमें फंस जाओगे कभी कभार। कैसे? तुम लोग अभी एक चीज़ बताएंगे समझ में आ जाएगा। देखो x इक्वल टू 3 plus y हुआ ना, यहाँ पे एक्स वाई है, x की जगह में हम क्या लिख सकते हैं, और y की जगह में x की जगह में 3 plus y, और y की जगह में y, दोनों के बीच में मल्टीप्लाई, और इधर क्या है, तो ये ईजी हो जाएगा ज़्यादा, 3y plus y square equals to 28। हाँ लाएंगे, लाते हैं, वाई स्क्वायर को लिख दिए प्लस 3y लिख दिए माइनस 28 इक्वल टू 0। छोटा नहीं है, बट बहुत छोटा हो गया, समझ में आया? अब इसके बाद कर लोगे, बट थोड़ा थोड़ा एक्सप्लोर करके क्या मान ले। अब बोल रहा है कोई सम ऑफ नेचुरल नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, और वो कितने के बराबर दिया हुआ है, एलसीएम कितना आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस यहाँ पे इक्वल टू 65/8। ठीक है, 8 को भेजते हैं इसके पास, तो 8 इसके भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी होगा, तो जाएगा 8x square, और फिर बोलते रहो, अब बन जाएगा कि बनाए इसको, ये बनाए, बन जाएगा, बना दीजिए इनका, बना दे क्या, बन जाएगा, बन जाएगा। द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 7, 7 का दो मल्टीपल, 7 का मान लो पहला मल्टीपल एक कुछ भी 7 का मल्टीपल बोलो 7, दूसरा मल्टीपल क्या हो जाएगा, एक और कुछ मल्टीपल बोलो, तो लगातार ही बोल रहे हो कुछ और ले लो, 28 49 के बाद वाला फिर क्या होगा, 56। तो 49 और 56 में गैप कितने का है, प्लस कितने, तो अगर पहले को हम लोग x मानेंगे, दूसरा में कितना गैप होगा, x प्लस 7, मतलब द लेट द फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 7 बी x, तो देन सेकेंड मल्टीपल क्या हो जाएगा, x प्लस 7। ये समझ में आ गया सबको, ये जो लेट किया समझ में आ गया। अब क्या बोल रहा है, देखो द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स, मतलब इन लोगों का स्क्वायर लोगों का सम कर दिए, वो कितने के बराबर है, 1 to 25 है। तो बताइए क्या बताइए, फाइंड द मल्टीपल्स, मतलब ये x बताना है और x प्लस 7 बताना है। ठीक है, करते हैं, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर लिख दिए, ये है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab मतलब 2 into 7 into x, मतलब 14x, ऐसा फास्ट बोल रहे क्या, इक्वल टू 1 to 25, तो हो जाएगा यहाँ पे 2x square प्लस 14x और 49 माइनस 1 to 25, तो करना तो है माइनस, माइनस कर लो, कितना आ रहा है, 1176 आ रहा है, ये आया था चेक करो। अब इस तीनों में कुछ कॉमन है क्या, 2 कॉमन है, तो इसको 2 से डिवाइड करो, कितना आएगा, प्लस 2 5 10 16, हाँ सही बात है, नहीं देख के बता रही है। अच्छा चलो, इसको अभी किससे बनाएं, स्प्लिट द मिलिटम से बनाएं कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से बनाएं, स्प्लिट द मिलिटम, चलो ठीक है, 588 को हम लोग तोड़ते हैं, 21 और 28, अरे बताना नहीं था, स्पॉइलर हो जाता है ऐसे, 2 2 4, 2 9 18, 2 4 8, ठीक है, फिर 2 1 2, 2 9 क्या बोल रहे हैं हम, 2 4 8, 2 9 2 7 14, हाँ सॉरी 7 2 14, 7 1 7, यहाँ तक करके एक बार चेक करते हैं कि थोड़ा सा और कर लेते हैं, 7 3 21, अब खोजते हैं, ठीक है, 7 लाना है हम लोग को, तो हम लोग पहले इन लोगों को पकड़ लेते हैं और इधर पकड़ लेते हैं, ये हो जाएगा 2 2 4, और ये हो जाएगा 49 3 कुछ बड़ा सा नंबर आएगा, 49 3, और बड़ा सा नंबर में 4 माइनस होगा तो 7 आने का कोई चांस नहीं है, ये गया,
इसको हटाओ, इसको रखो ऐसे। 7 3 21 और 7 2 14 14 2 28 28 और 21 को माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 8x इक्वल्स टू जीरो। इस दोनों में कॉमन क्या है, बचेगा क्या? इस दोनों में कॉमन क्या है? -21। और अंदर में बहुत कुछ बचने के लिए हम लोग को पता करना पड़ेगा, बट हम लोग अंधा जैसा लिख देंगे क्या, सेम टू सेम इक्वल टू जीरो। और फिर इधर एक्स प्लस 28 और एक्स माइनस 21 इक्वल टू जीरो। एक्स आ गया पहला वैल्यू में, कितना एक्स था क्या मल्टीपल ऑफ 7, क्या नेगेटिव में ले सकते हैं? तो हम लोग इसको बोल देंगे नहीं, नॉट पॉसिबल लिख देते हैं, नॉट पॉसिबल। और दूसरा आएगा एक्स इक्वल टू क्या, तो एक्स प्लस 7 कितने के बराबर आ जाएगा, 21 एंड 28 आंसर। बस हो गया, 16 को दो पार्ट में डिवाइड कीजिए, नहीं ये लोग का डाउट है, देखी लो 21 भी करते हैं फिर, नहीं ऐसा नहीं करते हम, डिवाइड 16 इंटू टू पार्ट, 16 को दो हिस्सों में डिवाइड करना है। डिवाइड करने का मतलब डिवाइड करने वाला बात नहीं है, डिवाइड करने का मतलब बांटने का बात है, कि 16 रुपया है तुम्हारे पास 2000 में बांट दो, वैसा वाला बात बोलना चाह रहा है। तो हम लोग पहला जन को मान लो एक्स रुपया दे दिए 16 रुपया में से, तो दूसरा जन को देने के लिए कितना रुपया बचेगा, हम रुपया भी लिखेंगे। हाँ समझ में आ गया, तो डिवाइड जब कर रहे हैं इसका मतलब ऐसे करना है, ठीक है? तो लेट द, ऐसे लिखना, लेट द फर्स्ट नंबर भी, ये वाला रफ में करना अगर करना हो तो, ये समझाने के लिए था, ये लिखना नहीं है ऊपर वाला। लेट द फर्स्ट नंबर भी एक्स, लेट द सेकेंड नंबर भी 16 माइनस एक्स। अब फॉलो करते जो बोला होगा, डिवाइड 16 इंटू टू पार्ट्स हो गया, सच दैट, सुना इसके बाद, सच दैट ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द लार्जर पार्ट। इसमें लार्जर पार्ट कौन है कैसे पता चलेगा, लार्जर पार्ट कौन, लार्जर, लार्जर पार्ट कैसे पता चला, इसमें हम लोग, हाँ हाँ कोई कोई भी तरीके से हम लोग क्लेम कर सकते हैं कि बड़ा है छोटा है, हम लोग नहीं क्लेम कर सकते, हम लोग मान सकते हैं बस। तो कोशिश किसी को मान लो, हम लोग एक्स को ही मान लेते हैं, एक्स इज ग्रेटर देन 16 माइनस एक्स। ये बात समझ में आ गया। अब क्या बोला है कि जो क्या था, ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द लार्जर पार्ट, ट्वाइस द, ट्वाइस द मतलब दो गुना, द स्क्वायर ऑफ द लार्जर पार्ट, लार्जर पार्ट कौन है दोनों में से, एक्स, तो एक्स का स्क्वायर, ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ लार्जर पार्ट। समझ में आ रहा है ऐसे, लार्जर पार्ट हो गया। आगे पढ़ते हैं, एक्सीड्स मतलब ये पार कर जा रहा है, जब एक्सीड बोले इसके बाद क्या लगा देना, माइनस, एक्सीड्स व्हाट, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर पार्ट, स्मॉलर पार्ट का स्क्वायर मतलब 16 माइनस एक्स का स्क्वायर, बाई, बाई बोला होगा उसके बाद कितना से वो लिखा होगा, बाई 164। ये समझ में आया क्वेश्चन, और इस तरह क्वेश्चन को कैसे मैथमेटिकल इक्वेशन में लिखना है समझ में आ गया। करते हैं, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस, इसको ब्रैकेट के अंदर ही पहले खोलो उसके बाद ब्रैकेट खोलना, दोनों साथ में करने जाओगे गलती होगा पक्का, मतलब कोई कोई ऐसे करने जाता है, देखो माइनस लिख दिया फिर लिखता है 16 का स्क्वायर 256 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 32x, ये गलत हो गया, जबकि तुमको लग रहा होगा कि सही किए कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, सही तो है बट गलत है, क्यों, क्योंकि तुम लोग, हाँ साइन चेंज भी होगा, तो साथ में इकट्ठे मत करने जाओ, माइनस लिखो ब्रैकेट को लिख दो, ब्रैकेट ही है और अंदर में ही इसको खोलो, नेक्स्ट स्टेप में ब्रैकेट हटाना, इक्वल्स टू 164। अच्छा ये समझ में आ गया ना कैसे आया, ओके चलो आगे बढ़ते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 256 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 32x, और इसको भी लेके आओ माइनस 164 इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरो। एक्स स्क्वायर वाला टर्म कितना है, वो ये वाला है, वो ये वाला है, 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर खाता हूँ प्लस 32x अकेला है इधर, अब इस दोनों को समझना है, माइनस माइनस करना, प्लस से साइन देना है किसका, माइनस का, और प्लस करके बताओ कितना आ रहा है, 420 आ रहा है, इक्वल टू जीरो, हो जाएगा सॉल्व, हो जाएगा। सुनो स्प्लिट द मिडिल टर्म कभी कभी धोखा दे सकता है एग्जाम में, प्रेशर में दिमाग उस टाइम पे प्रेशर पे रहता है, तो हो सका ना मिले, ज़्यादा देर समय मत लगाना, मैक्सिमम कुछ मिनट लगाना, 1 से 2 मिनट, उससे ज़्यादा अगर नहीं मिल रहा है तुरंत आ जाना किस में, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में, वो ज़्यादा, वो हो सकता है थोड़ा लेंदी हो, टाइम ज़्यादा लगे, बट एक अफर्मेशन देता है कि बन ही जाएगा, बट इसमें हो सकता है अगर हैंग किया एक बार भी दिमाग, अगर हैंग किया प्रेशर में तो फिर वो मिलता ही नहीं जल्दी, तो जल्दी से पता करना कि चलो 420 को करते हैं, उसमें जल्दी 1-2 मिनट में मिला तो ठीक, नहीं तो तुरंत स्विच कर जाना किस में, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में, ठीक है। चलो द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू नेचुरल नंबर इज 100, दो नेचुरल नंबर का बात किया जा रहा है, तो एक का पहला नेचुरल नंबर क्या होगा, 21 है, यहाँ तो 100 दिख रहा है,
हम पढ़ रहे पूरा क्वेश्चन 21 वाला, ठीक है। द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू नेचुरल नंबर इज 100। ट्वेंटी वन दिखाओ तुम लोग का बुक में क्या है। नाया द फाइंड टू नेचुरल नंबर द सम ऑफ स्क्वायर, ये तो अलग है। तुम्हारा AI वर्जन छोड़ के रखे हो मार्केट में, रोबोटिक वर्जन क्या हो गया? ये ओल्ड बुक वाला है, ठीक है, नया बुक वाला डाउट नहीं है। पहले रहने दो, पहले दो नेचुरल नंबर का बात किया तो 100 भाई मान लेते हैं, ठीक है। सेकंड नेचुरल नंबर को क्या मान लेते हैं? भाई मान लेते हैं, अभी करते हैं काम। हाँ, द सम ऑफ हुज स्क्वायर, द सम ऑफ हुज स्क्वायर्स, स्क्वायर लोगों का सम मतलब ना, सम ऑफ हुज स्क्वायर्स, वो स्क्वायर लोगों का सम, कि सम का स्क्वायर। लिखा हुआ है द सम ऑफ हुज स्क्वायर्स, सम ऑफ हुज स्क्वायर्स, जिन लोगों का स्क्वायर का सम, यही बोलना चाह रहा है ना, ये नहीं ना बोलना चाह रहा है कि सम का स्क्वायर। अरे इंग्लिश पढ़ के बताना है तुम लोगों, द सम ऑफ हुज स्क्वायर्स ये लिखा हुआ है, ठीक है। मतलब सम करना है तो सम कर दिए, इन लोगों का हुज स्क्वायर लोगों का, मतलब एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, इन लोगों का स्क्वायर लोगों का क्या कर रहे हैं सम। वो जो है सम स्क्वायर लोगों का जो सम है इज मतलब इक्वल टू 25 times, 25 times मतलब 25 गुना व्हाट देयर सम, मतलब वही लोगों का सम एक्स प्लस वाई, ये समझ में आया। आगे भी कुछ बोल रहे हैं, एंड ऑल्सो इक्वल टू 50 times द डिफरेंस, ये भी इक्वल है 50 times व्हाट देयर डिफरेंस। ये बात समझ में आया, मतलब बोल रहा है कि जो दो नेचुरल नंबर है निकालिए कुछ ऐसा कि उन लोगों का स्क्वायर लोगों का जो सम है, स्क्वायर लोगों का जो सम है वो इक्वल है किससे, उन लोगों के सम के 25 गुना से 25 टाइम्स से, और उन लोगों के ही डिफरेंस के 50 टाइम्स। ऑब्वियसली ये बड़ा नंबर होगा तो 25 टाइम्स ही हो रहा है, और ये छोटा नंबर है माइनस हो गया, छोटा हो गया और तो 50 गुना हो गया, ताकि ये आ जाए। ये समझ में आया, तो तुम लोग यहाँ पे एक इक्वेशन दिख रहा है कि दो इक्वेशन दिख रहा है, एक ये इक्वल टू ये और दूसरा ये इक्वल टू वो, या फिर ये इक्वल टू ये, जो भी बोलो, समझ में आ रहा है क्या? हाँ, तीनों एक दूसरे के इक्वल है, तीन आ रहा, अच्छा हाँ तीन आ रहा, ठीक है, सही बोल रही है वो, ये बोलना चाह रही कि ये इक्वल टू ये एक, ये इक्वल टू ये दो, ये इक्वल टू वो तीन। नशा नहीं, अभी से नशा नहीं, तुमको चार दिख रहा है, चार दिख रहा है, तीन दिख रहा ना, चार दिख रहा है, कौन कौन सा, ये वाला से, ये वाला वो वाला से, ये वाला से। लास्ट वाला ये दोनों से कैसे, मतलब इससे और इससे ना, अलग अलग सबसे। वाई स्क्वायर इक्व टू बस उसको लिखेंगे 25 times x प्लस वाई, हमको असर हो रहा तुम लोगों का, तुम लोगों का। अरे हाँ, आगे क्या करना है, इसको x प्लस वाई लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बताओ कोई, नहीं बोलो, बोलो जल्दी, अभी याद करो, दो मिनट दे रहे हैं, ये फॉर्मूला दोनों होता है ना, इसको इधर प्लस से माइनस करोगे तो इधर माइनस से प्लस हो जाएगा, दोनों होता है, जो तुम्हारा मन है लगाने को लगा सकते हो, बट यहाँ पे कौन सा लगाएंगे, क्या लग रहा है, ए प्लस बी वाला लगाएंगे, क्यों, उधर दिख रहा है इसलिए, ठीक है, चलो तो लगा देंगे x प्लस वाई का होल स्क्वायर, और माइनस क्या लिखेंगे 2ab, मतलब 2xy इक्वल टू 25x प्लस वाई, ये समझ में आया। आगे इससे फ़ायदा होगा भी, x प्लस वाई
भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई, ये कहाँ फंस गया भाई मैं समझे? भाई ये लोग सामने बोल नहीं पा रहे हैं। ये जैसा है वैसा लिख दिए, इसको उठा के इधर लेके आए तो माइनस में आया, इसको इसको पहले इधर ही लिखे हैं और इक्वल टू को उधर कुछ नहीं बचा तो जीरो आया। ठीक है, अब एक्स प्लस वाई को कुछ मान सकते हो? कुछ माने क्या? दिक्कत हो रहा है क्या? मेरे पास और अच्छा सोल्यूशन है, कुछ और सोचते हैं, छोटा छोटा सोचते हैं। अच्छा, ये और ये भी इक्वल है आसपास में, मतलब साथ साथ में। 25 50 को कितने बार में काटेगा? ओके, और कुछ हो सकता है? कुछ अच्छा मिल नहीं रहा है, बड़ा लेंदी हो जाएगा। ऐसे हो तो जाएगा बट लेंदी हो जाएगा। वोट हाँ आएगा आएगा। लेट मी चेक। चलो सुनो सुनो मेरे बात सुनो, इस दोनों को पहले इक्वलाइज किए, 25 50 को दो बार में काटा, x प्लस वाई को जैसा है वैसा लिख दिए। ठीक है, सुनाई दे रहा है? फिर 2 इंटू एक्स किए, 2x आया, माइनस 2 इंटू वाई किए, माइनस 2y आया। ठीक है, 2x को लिख दिए जैसा है वैसा, x को उधर भेजे तो माइनस x, माइनस 2y को जैसा है वैसा लिख दिए, प्लस y को उधर भेजे माइनस y, और इस साइड क्या बचा? इक्वल टू पूरा जीरो। ये स्टेप समझ में आया? कोई दिक्कत इसमें नहीं ना? 2x माइनस x, x हो गया, माइनस 2y माइनस y, माइनस 3y हो गया, इक्वल टू क्या हो गया? माइनस 3y को उधर भेज दिए तो x कितने के बराबर आ गया? इसको इक्वेशन वन बोल के क्या कर देंगे? छोड़ देते। अब इसको और इसको इक्वलाइज किए थे हम लोग, आगे बहुत सारा चीज़ किए थे, फॉर्मूला वॉर्मूला लगाए थे, बट अभी नहीं करते वो सब। अभी खाली x की जगह में क्या पुट कर देते? जहाँ जहाँ x दिख रहा वहाँ वहाँ क्या पुट कर देंगे? 3y। तो यहाँ पे हो जाएगा 3y का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पे y स्क्वायर है ही, इक्वल्स टू 25, x की जगह में वापस प्लस y। समझ में आया? 3y का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 25 फोर ज़ा 100y। ये समझ में आया कैसे हुआ? 3y प्लस y कितना होता है? 4y, 25 फोर ज़ा 100y। ठीक है, ओके। 9y स्क्वायर प्लस वाई, हाँ सॉरी, कितना हो जाएगा यहाँ पे? माइनस इक्वल टू, कॉमन कितना आएगा? 10 नहीं आएगा, और भी आएगा। इसमें क्या बचेगा? इक्वल टू, अब आ गया देखो फैक्टराइज फॉर्म में, इंटू इंटू का फॉर्म में। तो एक बार बोल सकते हैं 10y इक्वल टू जीरो, तो 10y इक्वल टू अगर जीरो करोगे तो y कितने के बराबर आएगा? जीरो के बराबर। समझ में आया कैसे? समझ में आ गया कैसे? और एक बार करोगे y माइनस 10 इक्वल टू जीरो, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा? 10। अब y था क्या पहले वो सोचो, नेचुरल नंबर था क्या? नेचुरल नंबर कभी जीरो हो सकता है? नेचुरल नंबर जीरो कैसे हो सकता है? तो बोलेंगे नॉट पॉसिबल। इसका मतलब एक नेचुरल नंबर y है, दूसरा क्या होगा? x। x कितने के बराबर? 3 गुना 3 इंटू 10 मतलब 30। तो 10 और 30 आंसर। समझ में आया? क्वेश्चन अच्छा था। द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू नेचुरल नंबर, फिर से दो नेचुरल नंबर के बाद आ गया, पहला को क्या मान लेंगे? x, दूसरा को क्या मान लेंगे? y। द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू नेचुरल नंबर, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नेचुरल नंबर, वो कितना दिया हुआ है? 45 लिख दिया क्वेश्चन नंबर 1। द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, स्मॉलर नंबर किसको मान ले? x, x ग्रेटर देन y मानते हैं, स्मॉलर नंबर कौन हो जाएगा? y। द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर कर दिए, इस 4 टाइम्स, ये 4 गुना है, किसका 4 गुना है? 4 टाइम्स द लार्जर नंबर। अच्छा, लार्जर डायरेक्टली x, तो y स्क्वायर की जगह में क्या पुट करना है? ये तो ऐसे ही बन जाएगा, x स्क्वायर को x स्क्वायर लिख दिए ऊपर वाले में, माइनस की जगह माइनस, y स्क्वायर की जगह में क्या, और इसको इधर लेके आओ, ये हो गया, क्वाड्रेटिक बन भी गया। अब x निकालो, y पुट कर देना, ये इक्वेशन 2 है। होमवर्क वही रहेगा, 28 तक हो गया था ना हम लोग का,